हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी, और ये है आपके लिए फेब्रुअरी लव और वर्क फोरकास्ट फॉर लीब्रास। जी हाँ, अगर आपका सन साइन, राइजिंग साइन, मून साइन लीब्रा में है, आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आप किसी लीब्रा को जानते हो, क्रॉस वॉच कर लो फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करो फ्रेंड्स। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट www.magicwensterow.com। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि यू गेट अ चांस टू विन अ फ्री रीडिंग। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देखिएगा, हर मंथ एक विनर सिलेक्ट होता है। सो चलिए लीब्रास, लेट अस सी आपके लिए थीम क्या है। इंग्लिश रीडिंग्स ऑलरेडी हो चुकी हैं फ्रेंड्स, आप दूसरी चैनल पे देख लीजिएगा। लीब्रास थीम ऑफ द मंथ फॉर ओके, कार्ड्स आर फ्लाइंग लीब्रास। आपके लिए थीम ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी फॉर लीब्रास, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ रिलीफ आ रहा है फ्रेंड्स आपकी तरफ। लेट मी जस्ट पिक दैट कार्ड जो फ्लाई हुआ, और ये देखिए जो कार्ड फ्लाई आउट हुआ था फ्रेंड्स, नाइन ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो फ्रेंड्स, फेब्रुअरी जो है आप पुरानी चीज़ों को एंड करेंगे, पुराने दुख, पुरानी तकलीफ़ें, पुरानी घिसी पिटी, पुरानी जो आपकी तकलीफ़ें हैं, लाइफ है, उसको आप बाय बाय कहने वाले हैं। जो बहुत बर्डन्स हैं आपके लिए, आप उनको बाय बाय कहेंगे फेब्रुअरी में, और खुशी की तरफ बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ। कुछ अच्छा ज़रूर होने वाला है फेब्रुअरी में फ्रेंड्स। फेब्रुअरी आपके लिए खुशी, राहत, सुकून और शांति लेके आ रहा है डेफिनेटली। फेब्रुअरी थीम ऑफ द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, और आपको एंडिंग से राहत मिल जाएगी फ्रेंड्स। काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हैं, लेकिन उसका शायद अभी तक आपको दर्द है, दुख है, तकलीफ़ है, या कुछ चीज़ें चल नहीं रही हैं आपकी लाइफ में, उनसे भी आप रिकवर कर पाओगे इन फेब्रुअरी। तो आपके लिए अच्छा मंथ है लीब्रास, आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम सेलिब्रेशंस हो सकता है। आपका बर्थडे है, किसी और का बर्थडे है आपकी लाइफ में, या कोई सेलिब्रेशन होने वाला है इस मंथ। सो कंग्रेचुलेशंस एम्प्रेस। सो ज़्यादातर आप इस महीने जो हैं फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स, गोल्स और एम्बिशन पे फोकस्ड हैं, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि आपका फोकस जो है फ्यूचर पे है, सेल्फ पे है। आप अपने ड्रीम्स पे, वर्क पे, करियर पे और अचीवमेंट पे फोकस करना चाह रहे हो। ऑल्सो अगर आप मैरिड हो, चांस है प्रेगनेंसी का, फैमिली एक्सपेंशन का, मैरिज का आपकी, अगर आप अनमैरिड हो। सो काफ़ी अच्छा मंथ है आपके लिए लीब्रास, वेरी नाइस। और अभी तक जो आपको ब्लॉक्स आ रहे थे पुराने, वो उनसे आपको तकलीफ़ों से छुटकारा मिलेगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लीब्रास काफ़ी 2020 थोड़ा आसान नहीं था लीब्रास के लिए, तो अब जो है और थोड़ी राहत आपको मिलेगी। लेट्स सी योर लव लाइफ लीब्रास। ओके, द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एस ऑफ वॉन्स, द मजिशियन Libras, the King of Wands, the Six of Pentacles, the Queen of Cups, wow, the Two of Swords, the Justice, आपका खुद का कार्ड है Libras, oh, Four of Wands, the Queen of Pentacles, क्या बात है, टू ऑफ कप्स लीब्रास, देखिए खुशी तो आ रही है आपके लिए बहुत सारी, ढेर सारी। सो लीब्रास तैयार हो जाओ फ्रेंड्स, ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। फर्स्टली क्योंकि आप स्टार्ट करोगे इस मंथ को मैनिफेस्टेशन के साथ, कि आपको क्या नया चाहिए, क्या चाहिए, और आप उसके ड्रीम्स के ऊपर वर्क कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। आई फील फ्रेंड्स डेफिनेटली अब आपको कोई नए पर्सन चाहिए, या आपको एक रिलीफ चाहिए अपने जो रिलेशनशिप है उसमें आपकी, आपको जो भी चाहिए, आपको कुछ रिलीफ चाहिए, नया चाहिए, मोहब्बत चाहिए और नए तरीके का एक प्यार चाहिए। सो आप वो चाह रहे हो स्टार्टिंग में, और वो हो रहा है आपके लिए और होगा इन फेब्रुअरी। फर्स्ट वीक में ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स के कोई पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग लीब्रास आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं फेब्रुअरी में। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए एक एक्साइटमेंट है आपके प्रति, लोग आपको जानना चाहते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, और लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं लीब्रास, और आपके पर्सन भी काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपकी तरफ, वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपको। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन थोड़े से आपको डर भी है लीब्रास बैक ऑफ द माइंड में, कि क्या पता कैसी जाएंगी रिलेशनशिप्स। हो सकता है कि कोई न्यू कनेक्शन आ रहा है फर्स्ट वीक में, या कोई नई फ्रेंडशिप है जिनसे आप बात कर रहे हैं, पर आपको थोड़ा डर भी है
के ये नया पर्सन कैसे हैं, क्या है, एक्सेप्ट कर लें, बात तो चल रही है, करें नहीं करें, थोड़ा एन्जाइटी है, थोड़ा सा डर है। लेकिन सेकेंड वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एरीज लियो सेजिटेरियस पर्सन, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस पर्सन, अ मैच मेड इन हेवन आ रहा है आपके लिए। डेफिनेटली या तो आप बहुत पैशनेट फील करोगे या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करेंगे या वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे आपको लेके। तो एक पैशनेट और इमोशनल एनर्जी आ रही है आपके लिए इन द सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी लिब्रास। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि दो लोग मिल सकते हैं आपको, जैसे कोई न्यू लवर फर्स्ट वीक में मिला और सेकेंड वीक में आपके पास्ट लवर भी आ रहे हैं आपसे बात करने। तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसको चूज़ करें, नए को या पास्ट को। तो काफ़ी सारे चॉइसेस हैं आपके लिए लिब्रास इस मंथ के, आप कैसे बैलेंस करेंगे अपनी लव लाइफ को, किसको बैलेंस, किसको चूज़ करेंगे, वर्क को, करियर को, नए पर्सन को, पुराने पर्सन को, चॉइसेस। थर्ड वीक लिब्रा आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपको नहीं समझ आ रहा है किसको क्या करना है इस रिलेशनशिप में। पुराने पर्सन के साथ आपका अट्रैक्शन बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन कंफ्यूजन्स हैं, वो आपको कमिट नहीं करते या आप नहीं कमिट कर पा रहे, कुछ ज़रूर प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्सो जस्टिस, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से प्रॉब्लम्स हैं या ऑल्सो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हैं या आप मैरिड हैं या मैरिज को लेके इश्यूज हैं। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थर्ड वीक में हैं फ्रेंड्स। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको चूज़ करना है लिब्रास। आप वापस भी जाना चाह रहे हो या कोई पास से आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पर्सन से आप ठीक से कुछ चल नहीं पाता उस पर्सन के साथ, पास्ट पर्सन के साथ। वाई? बिकॉज शादी को लेके बहुत सारे इश्यूज हैं। आप दोनों ही कमिटमेंट चाहते हो लेकिन कुछ प्रॉब्लम ज़रूर हैं। लिब्रास, आई डू फील ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, पास्ट से हो सकते हैं। ऑल्सो अगर आप लोग मैरिज प्रपोजल्स का वेट कर रहे हैं तो थर्ड वीक ज़्यादा अच्छा लग रहा है मैरिज प्रपोजल्स आने के लिए, सो बी रेडी फॉर दैट। ऑल्सो फ्रेंड्स, आई डू फील के आपको काफ़ी चॉइसेस मिलेंगी इन फेब्रवरी, लेकिन सही चूज़ करने में आपको कठिनाई होगी, मुश्किल होगी। कोई कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आई फील आप उस पर्सन को चूज़ करें लिब्रास जो आपकी वैल्यू करते हैं या एक जिनकी जो ट्रस्टवर्दी हैं। आई थिंक वो पर्सन को आपको चूज़ करना चाहिए जो ट्रस्टवर्दी हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आप दोनों एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं। जो फाइनल वीक है लिब्रास फेब्रवरी का आपके लिए बेहद अच्छा है। ये देखिए द स्ट्रेंथ, जी हाँ, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी लव लाइफ में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाएंगे, पार्टनरशिप्स जो हैं और गहरी होगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी और एक्चुअली आप डिसाइड सही जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे और उसमें वापस जा पाएंगे। आई डू फील कि ये आप अपने पास्ट लवर के पास जा रहे हैं लिब्रास। अगेन आपको फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर रहेंगे लास्ट वीक में, बट ओवरऑल बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के पास रीयूनियन में वापस जाएंगे, बट चॉइसेस तो रहेंगी इस मंथ। सो लिब्रास काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं एंड आई फील आपके पास्ट पर्सन के साथ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है, एक बहुत ही स्ट्रांग मैरिज या कमिटमेंट वाला कनेक्शन है, बट कुछ चीज़ें रोक रही हैं आपको दोनों को ही, सो उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। कुछ लोग नए पर्सन से अटैचमेंट लेंगे इस मंथ, आप लोग पुराने पर्सन के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे लिब्रास। तो काफ़ी सारी मिक्स्ड एनर्जीज हैं, न्यू एंड ओल्ड दोनों ही आ रहे हैं। चलिए एडवाइस देखते हैं लिब्रा। वाओ, कन्फ्रंट, जी हाँ, थोड़े से डर आपको ज़रूर हैं, आप थोड़े से नर्वस भी हो अपनी लव लाइफ को लेके और थोड़े से आपको ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो आप पास्ट पर्सन के ऊपर क्योंकि काफ़ी ब्रूटल एंडिंग्स हुई हैं उस कनेक्शन में। लेकिन ये देखिए 11-11 डिटैच की एनर्जी है, सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको जो है थोड़ा सा दूरियाँ बनानी ज़रूरी है प्यार से, मोहब्बत से। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखोगे तो आप जल्दी से प्यार अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे इस मंथ। सो डेफिनेटली पुराने गिले शिकवों को भी भुलाने की ज़रूरत है, रीच आउट। थ्री ऑफ वॉन्स, जी हाँ फ्रेंड्स, आई फील के कोई पर्सन, अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो लिब्रास ये मंथ आपको उनसे बात करने जाना चाहिए, उनसे उनके हाल चाल पूछ लेने चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपके पर्सन निराश हैं, उदास हैं,
और हो सकता है वो देख रहे हैं क्योंकि आपके पास चॉइस हैं और उनको पता है ये बात, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रस्ट, जी हाँ, ट्रस्ट करें फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी और आप जो मुश्किल हैं उनसे निकल के बाहर आ पाएंगे। रिकंसिडर, काफ़ी चॉइसेस हैं इस मंथ आपके लिए, तो आप ज़रूर सोच के ढंग से काम करें कि आपको किसको चूज़ करना है। सो लीब्रास, चॉइसेस तो बहुत हैं। चलिए आपका वर्क और करियर भी देख लेते हैं। फॉर लीब्रास, देयर वर्क, देयर करियर इन फेब्रुअरी। ओके, हो वाओ, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, एस ऑफ कप्स, तो आप अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत पोजेसिव भी फील कर रहे हैं अपने काम को लेके, वर्क को, करियर को लेके। ऑल्सो हो सकता है आप कोई नया क्लास ज्वाइन कर रहे हो, नया वर्क ज्वाइन कर रहे हो, नया प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रहे हो जिसमें आपको बहुत बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी इमोशनल हो आप अपने वर्क करियर और उसको लेके। द डेविल, जी हाँ, वर्कोहॉलिक भी हो लीब्राज इस मंथ, सो आपको इसीलिए प्यार में थोड़ा कम इंटरेस्ट है क्योंकि आप बहुत बिजी हो अपने वर्क और करियर में, सो आपके पास टाइम नहीं है प्यार के लिए। बट हर्मिट, जी हाँ, आप लोग काफ़ी कुछ नया भी सीखने वाले हो फ्रेंड्स इस मंथ। यू आर वेरी वेरी कमिटेड लीब्राज अपने वर्क करियर और स्टडीज़ पे, कुछ आप नई चीज़ें सीखोगे। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सॉल्यूशंस आपको अभी नहीं मिल रहे हैं, रास्ते बंद हैं, वो आपको फेब्रुअरी में दिख जाएंगे। जो सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे हैं वो फेब्रुअरी में आपको मिलेंगे, सो डोंट वरी। द एम्परर, जी हाँ, पोजिशन ऑफ पावर मिलने वाला है कुछ लोग। अगर आपके पास जॉब नहीं है आपको जॉब मिलेगा, अगर आपका पैसे कट हो रहे हैं तो आपको प्रमोशन या पे राइज मिल सकता है, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट ज़रूर होगा। और मुझे लग रहा है फ्रेंड्स ये आप लोग खुद करोगे, जैसे आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट कर दोगे जिसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगा, या आप लोग बिल्कुल आप लोग कुछ पढ़ाई वगैरह करोगे जो आपके लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगी वर्क और करियर में। सो यू आर डूइंग समथिंग लीब्रास जिससे आपको सक्सेस बहुत मिलेगा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन थोड़ा सा फ्रेंड्स अपने पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है फ्रेंड्स। इस वक्त फेब्रुअरी में आप जो है ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो, और जो कि बहुत अजीब बात है, मैंने कभी लीब्रास को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं देखा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं देखा है, लेकिन इस महीने आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि पता नहीं क्या होगा, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है फेब्रुअरी में। ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट हो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, हो सकता है आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको गलत रास्ता दिखा दें, या आपके टीचर्स वगैरह भी, या जैसे वो आपको उन पर आपको लगे कि वो आपसे कह रहे हैं ये कर लो, पर आपको लगता है कि आपका दिल कह रहा है आपको कुछ और पढ़ना चाहिए, तो आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कह रहा है, बिकॉज़ यू शुड अल्टीमेटली लिसन टू योर ओन इंट्यूशन लीब्रास। काफ़ी आपको लोग ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन फेब्रुअरी में आपका खुद का डायरेक्शन, आपका खुद का सोच इम्पॉर्टेंट है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा दूसरों की सुनोगे तो आप कन्फ्यूज्ड हो जाओगे और आपको धोखे भी मिल सकते हैं। पैसे को लेके आप ज़्यादा कमिट ना करें क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है या बोरो करना चाह रहा है, या आप जैसे किया है या आपको कोई कह रहा है इन्वेस्ट कर दो, पैसा मत करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ी ट्रिकी एनर्जी है, मत कीजिएगा। मैं आपको पहले बता रही हूँ ताकि आप लोग बच सको, सेफ रहो, आपकी सुरक्षा मेरी प्राइम वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अच्छा हो ये मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। Simply love, जी हाँ friends, I do feel आप अपने काम से बहुत प्यार करते हो friends, और अगर नहीं भी करते हो तो इस month आपको अपने काम से प्यार होगा, आपको उससे वापस एक reconnection, एक reunion होगा। हो सकता है आप लोग वापस अपने work पे जा के काम कर रहे हो school colleges में, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा लगेगा। Listen, intuition का card है friends, अपने work, career और money के अंदर अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोग जिनको आप जानते हो या नहीं जानते वो धोखा दें आपको, या बाय चांस भी हो सकता है कि कोई रैंडम में गलती हो गई, आपने पैसे दिए और डबल चले गए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें, इंट्यूशन की ज़रूर सुने लीब्रास। चेंज ऑफ फोकस, जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस महीने जहाँ फोकस करोगे मैंने कहा वो डबल होने वाला है, तो अगर आप दुखी हो तो बहुत दुखी महसूस करोगे, सुखी हो तो बहुत सुखी महसूस करोगे, तो आप अपना बैलेंस में रहें और फोकस को बैलेंस्ड रखें। जॉय एंड स्टेबिलिटी, काफ़ी सारा सक्सेस आ रहा है फ्रेंड्स आपके लिए इस मंथ, वेरी नाइस फॉर लीब्रास।
ओके, ओह माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स हैं। चलिए ले ही लेते हैं सारे जब आए हैं तो, कोई वजह ही होगी जो एक साथ आए हैं इतने सारे। बेवजह तो कुछ नहीं होता, बेवजह तो आप और हम भी नहीं मिलते, क्यों है ना दोस्तों। लेट्स सी, ऑलराइट, स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हिडन हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं इस मंथ, या आपके इंट्यूशन को पता है, अगर आप उन्हें इग्नोर कर दोगे तो आपको हार्म हो सकता है। विक्ट्री आ रहा है, विक्ट्री इन सम एंडेवर, जी हाँ किसी एरिया में विक्ट्री जरूर मिलेगी। जुलाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शार्क, देयर टेक केयर और देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटीरियल वेल्थ। जी हाँ, आपको मैंने फिर से बोला है फ्रेंड्स और आ भी गया है कन्फर्मेशन, पैसे का लॉस हो सकता है, या जैसे कोशिश करें पैसे ना खर्च करने की इस मंथ, या कम करने की, या डबल चेक करने की। टाइम टू एक्ट, जी हाँ आप अपने वर्क में तो लीडरशिप रोल में हो एकदम। व्हील, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, आप कहीं ट्रैवल ज़रूर करोगे। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, अगेन देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप ज़्यादा पार्टी वगैरह कर लो, उससे आपको फाइनेंशियल वो लग जाए लॉस, या ज़्यादा आप लोग कोई प्रमोशन का वो कर लो, यू नो प्रमोशन मिला या जॉब मिली तो खूब पार्टी करी आपने, ऐसा नहीं करना है। पार्टी करो पर कम करो। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अथॉरिटी सक्सेस मिलने वाला है, लीडरशिप रोल। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, नई सिचुएशंस में जाने का वक्त है फेब्रुअरी। पुरानी चीज़ों में रहोगे तो आपको दुख महसूस होगा। रेनबो, टाइम टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज ओवर, होप इज़ कमिंग। माउंटेन, मेजर चैलेंज टू ओवरकम, कुछ चैलेंजेस तो हैं इस मंथ में, चॉइसेस हैं लव के अंदर और इंट्यूशन धोखे हैं थोड़े से वर्क के अंदर। वाह, चॉइसेस हैं लव में, धोखे हैं वर्क में। ये तो ज़िंदगी का एक नगमा हो गया है। दिसंबर इम्पॉर्टेंट है, जुलाई इम्पॉर्टेंट है। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ चीज़ों पे आपको गुस्सा आ सकता है इस महीने, तो आप थोड़ा सा इग्नोर करें वो चीज़ें। वेकेशन, हाँ जी वेकेशन पे लग रहा है आप जाओगे, हो सकता है वहीं आप ओवर स्पेंड कर दो कहीं ट्रैवल घूमने फिरने में। स्लो एंड स्टडी, यू आर गेटिंग अहेड। एंड वीपिंग विलो, कुछ फैमिली सॉरो हो सकता है, हो सकता है कुछ फैमिली सिचुएशंस या कुछ फैमिली में लॉस लग जाए, आपको इट सेल्फ लॉस ना लगे लेकिन फैमिली में लग सकता है। सो थोड़ा सा ध्यान रखें फ्रेंड्स, और बाकी बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। हैप्पी फेब्रुअरी। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर। बाय, अभी के लिए बाय।